और खबर पाकुड़ से है, जहां इन दिनों चोरों से लोग परेशान है। नगर थाना क्षेत्र के शहर कोल में स्थित एक पुलिसकर्मी के घर में ताला तोड़कर भीषण चोरी हुई है। घर में रखा सेफ रात नकद समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली गई है। अपराधियों ने घर के अंदर तीन रूम को पूरी तरह से खंगाल दिया। रूम में रखे तीन अलमारी को तोड़कर सारे सामान की चोरी कर ली गई। पुलिसकर्मी का नाम नंदेश्वर ठाकुर उर्फ बबलू है, जो पाकुड़ में सीआईडी टीम में प्रतिनियुक्त है। जब चोरी हुई उस समय घर में कोई नहीं था, सभी लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी के घर चोरी हुई है, लाखों के जेवरात। कैश और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर लिया अपराधियों ने। पुलिस विभाग का ये लोग गए थे शादी ब्याह में, अब तो ईएमआई है, उनके पत्नी आने के बाद क्लियर हो जाकर क्या करते हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयदेव, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदेव, चोरी कर ली गई, घर में कोई भी नहीं था, क्या कुछ सुराग मिल पाया है पुलिस को अपराधियों का? जी आरती, सबसे पहले बता दूं, ये पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र की सरकोल गांव की ये घटना है, जहां पर बीते रात अपराधी चोरों ने जबरदस्त तरीके से चोरी किए हैं। एक सामान को निकाल के सबको मीरा तोड़ के लेके गए हैं। और ये बात बता दें कि ये लोग शादी का घर गए हुए थे, शादी से लौट के उनके जो हस्बैंड है वापस आए हैं, तब ये पता चला जब जैसे दरवाजा खुला पूरा घर खुला हुआ था। और जैसे और घर में अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं पाया है कि समय की चोरी हुई है, क्योंकि उनकी पत्नी आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जेवरात कितना था। लगभग बताया जा रहा कि लाखों के सामान चोरी हुई है। अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और एक दो चप्पल छोड़ के गया है, दरवाजा को तोड़ा है, वो सब थोड़ा सा सुराग मिला है, अभी पुलिस तह तक नहीं पहुंच पाई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।